आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल में एक्सटर्नल पिवट टेबल हमें आपके सामने डिस्कस करेंगे और एक्सटर्नल पिवट टेबल में जरूरत क्या है, मैं क्यों इसका यूज करते हैं, चलिए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जानिए, जैसे कि हमने यहाँ पिवट टेबल लगाया, इसी डेटा पे मान लीजिए पिवट टेबल लगाया, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि हमने यहाँ पे नेम को रख दिया और हमने यहाँ पे मान लीजिए अगस्त से लिहाज दिया। अब डेटा में कोई भी हम चेंजिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं अगस्त में इसका सेल्स मैंने बढ़ा दिया 750 कर देता हूँ, तो अब पिवट में देखिए 616 है ना, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो रिफ्रेश करते ही मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। हो गया सर। अब यहां पे एक छोटी सी दिक्कत होता है, छोटी सी दिक्कत ये आता है आपका कि अगर मैं डेटा में नीचे कोई भी एक नया डेटा ऐड करता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने 234 ऐड किया, इसमें नाम दे देता हूं मैं, क्या नाम डाल दिया, लेकिन यहां पे हवाला रिफ्रेश करने से डेटा ऐड नहीं हुआ, नहीं हुआ, रिफ्रेश करने से डेटा हमारा ऐड नहीं हुआ। तो अब यहां भी कैसे ऐड होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो कि लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि सोर्स में चेंज डेटा सोर्स में गया और मैं यहां पे इसको ले लिया, ऐड हुआ। अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, अब ये प्रॉब्लम ये हुआ, ऐड हो गया, इसे सिंपल सा एक प्रॉब्लम ये आ गया, अगर मेरे पास कोई ऐसा टेबल है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा डेटा टेबल है जो हर दिन अपडेट होता है, तो क्या होगा, हर बार मुझे डेटा में इसको ऐड करना पड़ जाएगा, हर बार जाके मुझे चेंज सोर्स करना पड़ जाएगा। तो ऐसा कोई तरीका होना चाहिए मुझे हर बार अपना रेफरेंस को चेंज ना करना, तो उस केस में हम एक नया सीट लेंगे और यहां पिवट टेबल पे जाएंगे और यहां हम चूज करेंगे एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब इसमें हम ओके करेंगे, सॉरी चूज, माफ कीजिएगा, चूज कनेक्शन पर करना पड़ेगा, फिर ओके, चूज कनेक्शंस। अब यहां पे जो हमने रिसेंटली यूज किया उसका लिस्ट आएगा, फिर हम ब्राउज फॉर मोड पे जाएंगे और हम इस फाइल की लोकेशन, जो हमारा फाइल है, उस लोकेशन पे जाएंगे जहां हमारा फाइल है, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन। अब एक बार में पिवट एक ही टेबल से लिस्ट ले पाए तो हमें किससे लेना है, B1 से लेना है, ओके। ठीक है, ओके, तो ये आपने एक शीट सिलेक्ट कर ली गूगल ड्राइव से, ठीक है ना सर? नहीं, ये फाइल इसी फाइल में किया, ये फाइल गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ था,
आपने उसमें कॉलम वाइज सिलेक्ट किया है सर, एक कॉलम सिलेक्ट किया है क्या गूगल ड्राइव से? कॉलम सिलेक्ट नहीं किया, मैं D1 सिलेक्ट किया। कॉलम पिवट में कॉलम सिलेक्ट करने का ऑप्शन थोड़ी होता है। एग्जैक्टली, सो जो D1 है आपका गूगल ड्राइव से आया ना ये? नहीं, ये जो मेरा फाइल है गूगल ड्राइव नाम के फोल्डर में पड़ा हुआ, गूगल ड्राइव पे नहीं पड़ा हुआ। ठीक है ओके, समझे ना? अच्छा, नहीं क्या किया कि हमने पिवट जो लगाया है, जो फाइल खुली हुई है ना इसके D1 से, लेकिन हमने डायरेक्ट इसका रेफरेंस नहीं दिया, हमने इसको घुमा के रेफरेंस दिया है कि डी सी ड्राइव के गूगल ड्राइव के फोल्डर के अंदर यूके के अंदर C1 D1। अच्छा, समझ गए ना? ओके, एक्सटर्नल मेथड से दिया है। अब जैसे यहाँ पे नेम दे दिया और मान लीजिए मैं यहाँ पे चैन का एक सेल्स दे देता हूँ, तो अभी अगर मैं इसमें कोई नाम डालूंगा इस सीट में, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया के, ये 234वां 235वां मान लीजिए, और यहाँ पे हम अपने डेटा को डाल देते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे रिफ्रेश तो करना पड़ेगा, रिफ्रेश ना करने का कोई ऑप्शन नहीं है, रिफ्रेश तो आपको करना ही पड़ेगा। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही यहां देखिए क्या आ गया, हमें दोबारा से इसमें अपना एड्रेस चेंज करने की जरूरत ना पड़े। समझ गए? अगर ये चेंजेस अगर आप हो जहां पे आपके गूगल फोल्डर पे पड़ा हुआ है वहां करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ना? हाँ सर, ये गूगल फाइल देखिए, आप सर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे मैंने कोई अलग फाइल से नहीं लगाई। देखिए ए पिवट और जिस हमने इंसर्ट किया पिवट दोनों एक ही है, ठीक है सर? ठीक है, पहले चीज को समझिए, एक बार मैं समझाता हूँ। मैंने क्या किया, एक फाइल ओपन किया, कौन सा फाइल? PQ, कहाँ पड़ा है? गूगल ड्राइव के फोल्डर में, ठीक है? गूगल ड्राइव कोई drive.google.com नहीं है, गूगल ड्राइव नाम का फोल्डर है, ठीक है? कर लिया। अब मुझे इससे पिवट लगाना है, अगर मैं नॉर्मल इस पे पिवट लगाना है डेटा, अगर इस पे मैं नॉर्मल पिवट लगाता हूं तो क्या होता है कि डेटा जब चेंज करूंगा तो मुझे भी पिवट का सोर्स चेंज करना है। लेकिन मैं इसी पिवट को, ये जो डेटा है, इसी डेटा को अगर हम पिवट एक्सटर्नल पिवट के माध्यम से लगाएंगे, एक्सटर्नल पिवट टेबल के माध्यम से, समझे कि हम डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम डेटा सिलेक्ट करेंगे इसके फोल्डर से जाके, जिस फोल्डर में हमारा PQ सेव है। तो हमने क्या किया, चूज यूज एक्सटर्नल से चूज कनेक्शन में गया, ब्राउज को मोड किया और गूगल ड्राइव में जो फाइल ओपन की है, जो ओपन है उसी फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो दूसरा फाइल सिलेक्ट नहीं कर रहा, उसी फाइल को सिलेक्ट किया और उसी फाइल में देखिए आ गया D1 D2 जैन 5 मार्च, उसी सीट से हमने D1 को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। तो इस तरह से, इस मेथड से, इस तरीके से लगाने से फायदा क्या होता है? ये ऑप्शन वो फाइल में है सर, क्या तो ये जो ऑप्शन आई है आपकी, ये बेसिकली आपके इसमें आई है ना, क्या नाम है, फाइल के ऑप्शन में, इंसर्ट के ऑप्शन में तो नहीं आई ना ये? इंसर्ट में सर, पिवट टेबल में ही है, पिवट टेबल जब करते थे यहाँ पे नहीं दिखता आपको? पिवट टेबल लगाते समय ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड ऑप्शन होगा यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, हम पिवट टेबल यूज कर रहे हैं, लेकिन जो रेफरेंस हम मैनुअली सिलेक्ट कर लेते थे यहाँ पे, इस तरह जाके इस तरह सिलेक्ट हो जाता था अपने आप, उसको ना करके एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं। या दूसरा बेनिफिट आप देखोगे, जैसे कि अभी इस केस में सर एक चीज बताइए, क्या मेरी D1 फाइल खुली होनी चाहिए ऑलरेडी? नहीं, ओके, ये मैं आप समझ नहीं पाए सर, हम तो D1 के अंदर ही पिवट लगा रहे हैं ना। नहीं मैं समझ गया, मैं खाली ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने एक फाइल D1 के अंदर पिवट लगाएंगे तो D1 तो खुला होना चाहिए ना सर, तभी तो लगा पाएंगे पिवट। हम पिवट सेम फाइल में लगा रहे हैं, कोई अनदर फाइल से नहीं ले रहे हैं, डेटा भी सेम फाइल में है, पिवट भी सेम फाइल में लग रहा है,
बट हम जो डायरेक्ट तरीका ना लेके इनडायरेक्ट तरीका ले, हम पिवट लगाते समय जब पिवट लगाते हैं, मान लीजिए सी टू से हमको पिवट लगाना है, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप पिवट लगाते समय यहाँ सी टू का रेफरेंस लिखें या फिर उसके डेटा को सिलेक्ट कर ले। क्या ये होता था ना, जैसे मान लीजिए पी क्यू बोल दीजिए, तो अगर मुझे अगर D1 पे पिवट लगाना है तो दो तरीका है। एक तरीका है कि D1 पे जाएं और इसको सिलेक्ट करके फिर पिवट पे क्लिक करें तो एक नया सीट इंसर्ट होगा ना। हाँ जी। दूसरा है कि हमें नया सीट इंसर्ट करने और पिवट टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके रेफरेंस को सिलेक्ट करें। आप समझे? यहाँ पे एडजेक्शन वर्कशीट आ गया, न्यू वर्कशीट नहीं हुआ, नया पे नहीं लगेगा, हमारा जो सीट वन है सीट वन पे भी बदल लगेगा। और दूसरा तरीका यह है कि हम एक नया सीट इंसर्ट करें और यहाँ एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जाएं और इस बार जो है हम सीट को सिलेक्ट ना करेंगे, हम फाइल के अंदर जाके सीट को सिलेक्ट करें। समझ गए? ये मेथड होता है। और इसका दूसरा उदाहरण हम देखेंगे कि आपके पास कोई एक फाइल होगी जिसकी जिसका डेटा काफी बड़ा हो, समझे? कोई फाइल होगी जिसका डेटा काफी बड़ा हो तो उस केस में क्या है? कि अगर आपकी फाइल काफी बड़ी है तो उसमें दिक्कत क्या होगा? पाएंगे नहीं सर फाइल उसमें। जब फाइल को आप खोलते हैं तो काफी हैंग होता है क्या? जब फाइल को आप हैंग करते हैं, जब फाइल आपको ओपन होता है हैंग होता है, उसके बाद पिवट लगाएंगे और हैंग होगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपना फाइल को ओपन ही ना करूं, मेरा डेटा पड़ा हुआ है कहीं और मैं पिवट कहीं और लगाना चाहता हूं। जैसे आपके सामने एक ब्लैंक फाइल है मेरे पास, ठीक है? अब इस ब्लैंक फाइल में मैं पिवट लगाना चाहता हूँ लेकिन डेटा मैं लेना चाहता हूँ अपना गूगल ड्राइव वाले फोल्डर से। ये फाइल वो फाइल दोनों अलग अलग है, ठीक है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक नई फाइल में गूगल से जाएंगे, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शन, ब्राउज फॉर मोर, और यहां हम सेलेक्ट कर लेंगे गूगल ड्राइव। मतलब कि हम बुक वन में पिवट लगा रहे हैं लेकिन डेटा ले रहा है कहां से? पी क्यू से। अभी इस केस में पी क्यू को खुला रहना कोई जरूरी नहीं है कि खुला हो, ठीक है? अब समझे कि नहीं? हाँ जी। अब को ओपन करना है नहीं करना है, बस खाली सिलेक्ट करना है, बस सिलेक्ट करना है। ओपन करेंगे, सिलेक्ट करके ओपन जब हम करेंगे तो आपसे पूछेगा सीट नेम, क्योंकि एक डेटा एक पिवट किसी एक ही सीट से बन सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने D1 को सिलेक्ट किया, देन ओके एंड ओके, ठीक है? अब डेटा कहां पड़ा हुआ? पीक्यू में। पीवट कहां लगा है? D1 में। और हमने पीक्यू को ओपन भी नहीं किया, ठीक है? तो इसे क्या हुआ कि पीवट को इंसर्ट करते समय जो दिक्कत होगी वही हो, उसके बाद नहीं होगी सर, उसके बाद ये स्मूथली वर्क करेगा। और आप पीक्यू को बार बार रिप्लेस कर सकते हो, जैसे और जैसे डेटा अपडेट होगा या यहाँ अपडेट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉलम अगर कोई ऐड होता है तो यहाँ अपडेट नहीं है, सिर्फ रो अपडेट है, समझे?
तो इस केस में रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी हमको, कि रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें? रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप एक सिस्टम कर सकते हैं, राइट यहाँ पे जब जाएंगे राइट क्लिक करके डेटा में, पिवट टेबल ऑप्शन में डेटा में, तो यहाँ आपको होगा रिफ्रेश विंडो ओपनिंग फाइल, दिख रहा है? राइट, जब ये ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, तो आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां डेटा ऐड करोगे और इस फाइल को जब ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। और अगर मुझको जैसे ऑल शीट पे चाहिए होगा तो फिर हर शीट का बनाते रहूंगा ऐसे, है ना, D1 का, D2 का, D3 का। जी सही, ठीक है सर, आगे बढ़े सर। आपके आपने इसकी रिकॉर्डिंग करी है आज की? नहीं ना, करिए कर रहा हूँ सर करिए। वेरी नाइस। ये चीज होती है, अब जरूरी नहीं कि मैं डेटा पिवट टेबल पे ही इसमें एक्सेल में पड़ा, हो सकता है कि मेरा डेटा पड़ा हो एमएस एक्सेस में, क्या? Yeah. तो अब मैंने क्या किया, कि हम पिवट लगा रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस, तो सेम प्रोसीजर है जैसे आपने फाइल सिलेक्ट किया था ना, ऐसे यहां पे आप अपना ये सर दोबारा बताइए, क्लियर नहीं हुआ, सॉरी। मैं बोल रहा था कि जैसे आपने एमएस एक्सेल डेटाबेस लगाया ना, ब्राउज फॉर होम पे जैसे आपने पीक्यू फाइल को सिलेक्ट किया था, ऐसे डॉक्यूमेंट है जहां भी आपके एक्सेस डेटाबेस पड़ा है वहां से आप एक्सेस डेटाबेस को सिलेक्ट करें, ठीक है? अब इसमें कोई टेबल नहीं है, मतलब ये डेटाबेस ऐसे ही बना हुआ है, कोई टेबल नहीं है, तो आपको यहाँ एक टेबल, अब इसमें भी बताना पड़ेगा कि कौन सा क्यूरी या कौन सा टेबल आपको लेना है। तो हमने क्यूरी 2 को सेलेक्ट किया एंड ओपन कर दिया, आगे ठीक है जी सर। तो इस तरह से आप एमएस एक्सेस से भी लगा सकते हैं। अब कोई ऐसा फाइल है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा फाइल आपके पास है कि जिसमें कुछ ऐसा आपके पास फाइल है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा पता आपको नहीं चल रहा है, फाइल को कैसे पिवट लगा, क्योंकि कौन सा सॉफ्टवेयर का फाइल है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसमें इंसर्ट में जो पिवट टेबल है, ब्राउज में ब्राउज फॉर मोड कीजिए, और यहां आप जो है अपनी फाइल पाथ पेस्ट कर, पाथ पेस्ट कर दे, मतलब जैसे कि मान लीजिए हम लोग कभी इंटरनेट से डेटा को, डेटा फाइल को डाउनलोड करते हैं ना, इंटरनेट से डेटा फाइल डाउनलोड करते हैं ना सर जी, मैं यहाँ पे आता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ, देखता हूँ डाउनलोड पहले से है या नहीं, इसे data.csv है ना, यहाँ इससे डाउनलोड है, दिख रहा है? तो मैंने क्या किया, इसके पाथ को कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओपन।
ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर ये आपका डाउनलोड कर देगा। तो क्या हुआ कि बार बार उस लोकेशन से फाइल को डाउनलोड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो एक बार उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, नहीं सॉरी, जीएसपी है ना, यहाँ पे डॉट एक्सप्रेस होना चाहिए, सीएसई होना चाहिए था, इसे नहीं हुआ, डाउनलोड होना चाहिए और डायरेक्ट डाउन फाइल का पाथ होना चाहिए, इस तरह का पाथ करेंगे, लास्ट में जो होता है वो डॉट एक्सप्रेस एक्स लगा होता है या सीएसई फाइल पाथ है, वो फाइल पाथ होना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास SQL सर्वर है तो, या ऑरेकल है, या कोई और डेटाबेसेस है, उसके लिए यहाँ न्यू सोर्स पे आएंगे, ठीक है। जैसे माइक्रो सर्वर है, SQL सर्वर है, तो सिलेक्ट कीजिए नेक्स्ट, यहाँ पे सर्वर नेम डाल दिए, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड और नेक्स्ट पे डेटाबेस सिलेक्ट करिए। अपने इस सिस्टम में है नहीं, बना मैं दिखा देता हूँ आपको, ओके। तो ये एक्सटर्नल पेपर पे सोर्स है, आप एक बार इसको अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिए, कल हम उस स्लाइसर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे आज मुझे, प्लीज, ये अच्छा था।